आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। फतेहपुर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने साइकिल सवार को मारी है टक्कर, जहां साइकिल सवार की मौके पर हुई है मौत। घटना से परिवारजनों में मचा है हड़कंप। बकेवा थाना क्षेत्र के इससेपुर गांव का बताया जा रहा है मामला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बकेवा थाना क्षेत्र के डारी खुर्द की है ये घटना। फतेहपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां आप तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने साइकिल सवार को मारी है टक्कर, जहां साइकिल सवार की मौके पर ही हुई है मौत। महोबा से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां सरकार से मिल रहे हैं लाखों रुपए, फिर भी गोवंश का नहीं रखा जा रहा है ध्यान। गौशालाओं में नहीं है गायों के लिए अलाव की व्यवस्था। ठंड और भूख से 24 गोवंश की हुई है मौत। गायों की मौत के मामले को लेकर अधिकारियों ने साधी है चुप्पी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, कबरई कस्बे में स्थित काना गौशाला का ही पूरा मामला। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता दिलीप फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो दिलीप, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, आखिर क्या है पूरा मामला? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि लगातार बीते दिनों से जो योगी सरकार द्वारा दावा किया जा रहा है कि गांव-गांव में नगर पंचायत स्तर पर करोड़ों रुपए खर्च करके गौशालाएं बनवाई गई, लेकिन बावजूद इसके आज भी गोवंश सड़क पर भटकने को मजबूर है। और कहीं ना कहीं इसमें प्रशासनिक लापरवाही और वह अनदेखी के चलते और जो सिस्टम में व्याप्त भ्रष्टाचार है, इसके चलते गोवंश लगातार दुर्दशा उनकी बनी हुई है और आए दिन गायों की गौशालाओं में मौत होती है। कागजों में भी हमने पहले भी देखा कि कागजों में गौशालाएं में गाय रही है, लेकिन वास्तविकता में जमीनी हकीकत यही है कि ग्राउंड में कहीं गौशालाओं में आधे जितनी कागजों में लिखा पड़ी में रहते हैं उससे आधे से भी कम संख्या रहती है। कुछ यही हाल ये कबरई, पूरा मामला कबरई की कान्हा गौशाला का है, कबरई कस्बे की, जहां करीब दर्जनों गाय आए दिन गाय मरती हैं और उनका कभी कोई पोस्टमार्टम नहीं कराया जाता, जबकि उन्हें निर्दयता से घसीटकर एक गड्ढे खोदकर उसमें दफ्न कर दिया जाता है। कहीं ना कहीं उसमें गायों को नहीं, ये जो सिस्टम में व्याप्त भ्रष्टाचार है, अपनी करतूतों को छुपाने के लिए गड्ढों में अपनी करतूतें दफन कर रहे हैं। जी तो दिलीप, कब से ये चला आ रहा है मामला, क्योंकि ये गोवंश का मामला तो काफी लंबे समय से है, जो गौशालाएं वहां पर चल रही हैं, तो वहां पर किस तरीके की व्यवस्था है अभी फिलहाल? जी बिल्कुल, आपसे ये सिलसिला अनवरत चला आ रहा है, जब से गौशालाएं बनने की प्रक्रिया शुरू हुई है तब से लगातार गायों की मौत की जो खबरें लगातार मीडिया में भी आ रही है और सामने तस्वीरें, जो हृदय विदारक तस्वीरें सामने आती हैं, उसको देखकर लगता है कि कहीं ना कहीं योगी सरकार के मंसूबों पर उनके ही अधिकारी और कर्मचारी पानी फेर रहे हैं। लगातार जो आपको बता दें कि किसी भी जो गौशाला है, जहां हमने ग्राउंड से देखा जो जानकारी आई, गौशालाओं में कहीं सर्दियों में कहीं ना अलाव की व्यवस्था की गई गौवंश के लिए, गर्मियों में कुछ यही हाल रहता है, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, खाने की कोई व्यवस्था नहीं हो पाती है। अब जो पैसा आता है, फंड आता है, वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है और आज भी योगी जी गाय को माता मानते हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्होंने बड़े दावे किए थे कि गौशाला बनने के बाद गोवंश की दशा पर में सुधार आएगा, लेकिन आज भी उनकी स्थिति जस की तस और बद से बदतर बनी हुई है। जी दिलीप, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि आए दिन इस तरीके के हादसे होते रहते हैं और अभी हाल ही में 24 गोवंश की मौत हुई है, उसके चलते अभी ये बात सामने आई है, उसके बाद किसी अधिकारी ने इसका संज्ञान लिया? अभी तक क्योंकि इस मामले को लेकर हमने प्रशासनिक अधिकारियों से बात करने का प्रयास किया, लेकिन इस गोवंश को और गौशालाओं के मामलों में प्रशासनिक अधिकारी भी बचते हुए नजर आते हैं और कैमरे पर आने से कतराते हैं। हम ये पहली बार नहीं है, कई बार गायों की मौत का गोवंश की मौत की खबरें जब आई तो अधिकारी इस मामले को लेकर कैमरे से बचते नजर आते हैं। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए।
अखिलेश यादव का दो दिवसीय रायबरेली दौरा है। 17 और 18 दिसंबर को रायबरेली में रहेंगे मौजूद अखिलेश यादव। सभी विधानसभाओं का दौरा करेंगे अखिलेश यादव। 5 बजे फिरोज गांधी इंटर कॉलेज में स्वागत समारोह की तैयारी। 18 दिसंबर को सुबह 11:30 बजे मुंशीगंज बाईपास पहुंचेंगे अखिलेश यादव। सदर के मुंशीगंज बाईपास पर जनसभा को करेंगे संबोधित। अखिलेश यादव का दो दिवसीय रायबरेली दौरा, जो 17-18 दिसंबर को रायबरेली में रहेंगे अखिलेश यादव। सभी विधानसभाओं का दौरा करेंगे अखिलेश यादव। 5 बजे फिरोज गांधी इंटर कॉलेज में स्वागत समारोह में शामिल होंगे। 18 दिसंबर को सुबह 11:30 बजे मुंशीगंज बाईपास पहुंचेंगे अखिलेश यादव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।